Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to Data Communication and Computer Networks course. Data Communication and Computer Networks के previous course के अंदर हमने discuss किया कि किस तरह से हमारे पास जो RDT protocols हैं उनको हम incrementally develop कर रहे हैं ताकि हम अपने एक reliable protocol की को design कर सकें. ठीक है? So हमने start किया कि हम RDT 1.0 में हमने assume ये किया कि हमारे पास जो underlying channel है it is completely reliable. वो ना तो किसी bit को flip करता है ना ही हमारे पास packet loss हो सकता है उसके अंदर. So हमने एक protocol design किया which is very simple that uses UDT send function to receive packet from application layer. उसके बाद reliable data इस function के response में जो action perform होते हैं वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने उन पैकेट्स को सेगमेंट करना है इनटू मल्टीपल पैकेट्स और उनको सेंड कर देना है ओवर अ रिलायबल चैनल. रिसीविंग साइड पे आरडीटी रिसीव का फंक्शन है, उन्हें रिसीव करना है उस पैकेट को और पैकेट को डिलीवर कर देना है एप्लीकेशन लेयर को आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी पैकेट. फिर हमने कहा कि अगर हम एक रिलायबल एक ऐसे प्रोटोकॉल की बात करें जो कि हमारे रियल लाइफ सिनेरियोस के क्लोज हो, तो हम कहते हैं कि हमारे रियल लाइफ में इतना रिलायबल चैनल नहीं होता. हमने अज्यूम ये किया कि अब हमारा जो चैनल है इट इज नॉट कम्प्लीटली रिलायबल बट इट इज अ चैनल दैट कैन फ्लिप बिट. ठीक है? तो हमने कहा कि बिट फ्लिपिंग को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास चेकसम की टेक्निक है लेकिन उससे रिकवर करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है. सो हमने उसको फ्रॉम ह्यूमन जो प्रस्पेक्टिव है हमने देखा कि किस तरह से इंसान एरर से रिकवर करते हैं इन डेली कॉन्वर्सेशन. तो हमने उससे एक फीडबैक का प्रोसीजर डिवाइस किया. हमने कहा कि जिस तरह इंसान अगर एरर्स आ जाए उनकी कॉन्वर्सेशन में या उन्हें कोई चीज समझ ना आए तो वो कैसे रिकवर करते हैं बाय यूजिंग फीडबैक मेथड. तो इसी तरह से हमारा जो आरडीटी 2.0 प्रोटोकॉल है वो क्या करता था, फीडबैक के प्रोसीजर को यूज करता था जिसमें एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का जो फंक्शन है वो हमने डिस्कस किया. हमने फाइनाइट स्टेट मशीन भी उसकी डिस्कस की. फिर हमने कहा कि 2.0 के अंदर एक फैटल फ्लॉ है दैट इज कि व्हाट इफ एक्नॉलेजमेंट आप भेज रहे हैं लेकिन रास्ते में जाते जाते वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बन जाए, अगर वही करप्ट हो जाए तो क्या होगा कि आपके रिसीवर को पता चलेगा कि आपने पैकेट रिसीव नहीं किया तो वो पैकेट को दोबारा भेज देगा जबकि पैकेट आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं. तो एक पैकेट दो दफा आपको रिसीव हो जाएगा, इसका मतलब है डुप्लीकेशन हो गई. तो उस डुप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए हमने कहा कि हम बजाय इसके कि दो पैकेट एक जैसे रिसीव करें हम कहते हैं कि अगर हम सीक्वेंस नंबर ऐड कर देंगे कि अगर एक ही सीक्वेंस नंबर के दो पैकेट्स आपको मिल जाएंगे तो आपने एक पैकेट को डिस्कार्ड कर देना है. इस सिनेरियो को हम कहते हैं या इस पूरे जो प्रोटोकॉल है इसको हम कहते हैं ये आरडीटी 2.0 की एक्सटेंशन है दैट इज नोन एज आरडीटी 2.1. तो हम क्या करेंगे, सेंडर साइड पे रिसीव जो सीक्वेंस नंबर है वो ऐड करेंगे पैकेट में, चेकसम लगाएंगे और जो एक्नॉलेजमेंट है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है उसको भी हमने चूंकि हैंडल करना है कि वो करप्ट ना हो जाए तो उसके लिए भी हम चेकसम उसके उसके लिए भी रखेंगे और फिर हम वो पैकेट जो है वो सीक्वेंस नंबर के साथ सेंड कर देंगे रिसीवर को. रिसीवर क्या चेक करेगा जब वो पैकेट को रिसीव करेगा कि इस सीक्वेंस नंबर का कोई पैकेट पहले तो मौजूद नहीं है, अगर पहले वही पैकेट मौजूद होगा तो इस पैकेट को सीक्वेंस नंबर जिसका सीक्वेंस नंबर सेम होगा एक पैकेट वो डिस्कार्ड कर देगा, एक पैकेट वो डिलीवर कर देगा. ठीक है? हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आरडीटी 2.1 जो है वो काम करता है. सबसे पहले हम डिस्कस करें कि अगर कोई पैकेट भी करप्ट नहीं होता तो आरडीटी कैसे काम करेगा. सेंडर ने पैकेट जीरो सेंड किया, अब ये जीरो बेसिकली सीक्वेंस नंबर है. ठीक है? तो एक पैकेट विद द सीक्वेंस नंबर जीरो सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया पैकेट जीरो, उसने एक्नॉलेजमेंट ऑफ जीरो पैकेट सेंड कर दी. जब इसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी जीरो पैकेट की तो अब ये क्या करेगा, अब ये पैकेट बनाएगा विद द सीक्वेंस नंबर वन, वो पैकेट सेंड कर दिया जाएगा रिसीवर को. रिसीवर ने पैकेट रिसीव किया विद सीक्वेंस नंबर वन तो इसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट में भेजा कि मैंने वन पैकेट रिसीव कर लिया करेक्टली. उसकी एक्नॉलेजमेंट जब रिसीवर को जो सेंडर है उसे रिसीव होगी तो वो क्या करेगा, अब दोबारा से एक पैकेट नया जनरेट करेगा जिसका नंबर सीक्वेंस नंबर दोबारा जीरो रखेगा और इसे सेंड कर देगा. अब इस यही काम चलता रहेगा, सेंड एक्नॉलेजमेंट जो है वो जीरो रिसीव होगी फिर वो पैकेट वन सेंड कर देगा, फिर एक्नॉलेजमेंट वन रिसीव होगी फिर वो पैकेट जीरो सेंड कर देगा एंड द प्रोसीजर गोज ऑन. ठीक है? लेकिन व्हाट इफ जो पैकेट आपने भेजा वो करप्ट हो गया, अब क्या होगा, सेंडर ने पैकेट जीरो सेंड किया, रिसीवर ने जीरो रिसीव किया, उसने जीरो एक्नॉलेजमेंट भेज दी, सेंडर ने पैकेट वन सेंड किया लेकिन वो पैकेट रास्ते में जाते हुए करप्ट हो गया. ठीक? और यहाँ पे हमारे पास पैकेट वन रिसीव हुआ लेकिन वो पैकेट करप्टेड था, तो जब चेक किया गया तो वो चूंकि करप्टेड था तो यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वन की सेंड की गई, जो पैकेट वन है वो करप्टेड फॉर्म में रिसीव हुआ है, तो
तो यहाँ पे जब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वन रिसीव होगी तो वो क्या करेगा, वो रीसेंड करेगा पैकेट वन को। किस तरह से पता चलेगा, सीक्वेंस नंबर से, कि चूंकि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वन रिसीव हुई है तो उसने पैकेट वन को रीट्रांसमिट करना है, नॉट पैकेट जीरो। ठीक है, तो अब जब पैकेट वन करेक्टली रिसीव हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट वन इसे रिसीव होगी, अब वो दोबारा क्या जनरेट करेगा, सेंड पैकेट जीरो अगेन। ठीक है, अच्छा अब अगर क्या होगा कि एक्नॉलेजमेंट करप्ट हो गई, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं पैकेट जीरो सेंड किया गया, एक्नॉलेजमेंट रास्ते में आते हुए, एक्नॉलेजमेंट भेजी थी लेकिन रास्ते में आते हुए वो करप्ट हो गई, तो यहाँ पे इसे रिसीव हुई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। सो हालांकि पैकेट ऑलरेडी मौजूद है विद सीक्वेंस नंबर जीरो और वो करेक्ट है, लेकिन क्या होगा, चूंकि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है तो उसने क्या करना है, रीसेंड करना है पैकेट को, और वो पैकेट जब रीसेंड होगा तो यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट पैकेट्स आ गए। तो डुप्लीकेट पैकेट्स को हैंडल करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि एक पैकेट, यहाँ पे दो पैकेट जीरो हमें रिसीव हो गए, तो वो क्या करेगा, एक पैकेट जीरो को डिस्कार्ड कर देगा और दूसरा पैकेट जीरो जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक डिस्कार्ड हो गया, एक डिलीवर हो गया, और फिर एक्नॉलेजमेंट जीरो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास दोबारा से अगले पैकेट की बारी आ गई कि जो हमारे पास पैकेट वन है वो सेंड किया जाए, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव की जाए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब हमने स्टार्टिंग स्लाइड डिस्कस की है, जिसमें वो कहता है कि हमारे पास जो FSM है, ये वाला पॉइंट, कि ट्वाइस एज मैनी स्टेट्स एज बिफोर। ठीक है, जो हमारा RDT 2.0 है, अगर आपको याद हो तो 2.0 की दो स्टेट्स थी, सेंडिंग साइड पे दो स्टेट्स थी, रिसीविंग साइड पे एक स्टेट थी, लेकिन अब जो हम 2.1 डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये स्टेट्स डबल हो जाएंगी, सेंडिंग साइड पे दो की बजाय चार जो स्टेट्स है वो बन जाएंगी और रिसीविंग साइड पे एक की बजाय दो स्टेट्स बन जाएंगी। क्यों, अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये सेंडिंग साइड है, ठीक है, सेंडिंग साइड पे हमने दो पैकेट रखे हुए हैं, एक पैकेट का जो नंबर सीक्वेंस नंबर है वो जीरो है, दूसरे पैकेट का सीक्वेंस नंबर वन है। है ये वही उतनी ही स्टेट, जो हमारे पास स्टेट मशीन है, ये वेट फॉर कॉल फ्रॉम जीरो पैकेट है, ये वेट फॉर जीरो एक्नॉलेजमेंट है, ये वेट फॉर वन पैकेट जिसका सीक्वेंस नंबर वन है उसकी कॉल का वेट कर रहा है और ये उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। तो हमारे पास चूंकि दो सीक्वेंस नंबर, अगर तीन सीक्वेंस नंबर होते, लेट्स सपोज 0, 1, 2, तो हमारे पास यहाँ स्टेट्स कितनी हो जाती, 6 हो जाती। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल चूंकि दो ही सीक्वेंस नंबर है तो हम कह रहे हैं कि ये दो जो है स्टेट्स हैं ये जीरो पैकेट सीक्वेंस नंबर के लिए, और ये दो हमारे पास वन सीक्वेंस नंबर के पैकेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस वन ने डेटा जनरेट कर लिया और उसने यूडीटी आरडीटी सेंड के फंक्शन को कॉल किया और डेटा को डिलीवर करवाने के लिए उसने डेटा इसको दे दिया। अब जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को डिलीवर किया जाएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इसके पैकेट बनाएगा, जीरो सीक्वेंस नंबर है, डेटा जो एक्चुअल डेटा इसका है, और चेकसम फॉर जो एरर डिटेक्शन है उसके लिए। ये डेटा रख के उसने एक पैकेट बनाया और उसे पैकेट को यूडीटी के थ्रू सेंड कर दिया। अब रिसीविंग साइड पे क्या होगा, रिसीविंग साइड पे यहाँ पे ये रिसीवर की साइड है, ठीक है, रिसीवर ने पैकेट को रिसीव किया और चेक किया कि पैकेट करप्टेड नहीं है और उसका सीक्वेंस नंबर भी जीरो है। ठीक है, पहले दो चीजें चेक हो रही थी, अब सीक्वेंस नंबर भी चेक हो रहा है। तो वो क्या करेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, डेटा को डिलीवर करेगा और एक्नॉलेजमेंट बना के यूडीटी के थ्रू उसको सेंड कर देगा। ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे सिर्फ ऐप नहीं भेजी जा रही, एक्नॉलेजमेंट के साथ चेकसम भी भेजा जा रहा है ताकि रास्ते में अगर बिट फ्लिप हो जाए तो चेकसम से डिटेक्ट किया जा सके कि जो आपने एक्नॉलेजमेंट भेजी थी वो करप्ट हो गई है, अब ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बन गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से वापस जब जाएगा तो यहाँ से ये पैकेट यूडीटी सेंड का पैकेट इसको रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ पे वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट की जो स्टेट है इसमें आपका जो इस वक्त मशीन है वो इस स्टेट में है जो कि वेट करिए कि एक्नॉलेजमेंट भेजी गई है या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी गई है। यहाँ से हमने क्या भेजी है, अगर आप देखें तो हमने भेजी है एक्ट। ठीक है, तो इधर जब हम आएंगे तो ये नहीं कॉल होगा, सॉरी जो नीचे वाला है, जो एक्ट वाला फंक्शन है, जो इवेंट एक्ट वाला है वो कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आरडीटी रिसीव में हमें क्या रिसीव हुआ, इज एक्ट रिसीव हुई है। ठीक है, तो आरडीटी रिसीव ने जब पैकेट रिसीव किया और उसने चेक किया वो पैकेट करप्टेड नहीं था और वो एक्नॉलेजमेंट है, तो उसने क्या किया, नो एक्शन। ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया गया बल्कि अगली स्टेट पे चला गया। वो अगली स्टेट क्या है, वो इधर आ जाएगा। अब दूसरी जो हमारे पास पैकेट है, पैकेट विद सीक्वेंस नंबर जीरो, वो भेजा जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज कि हमारे पास पैकेट यहां से बना,
आरडीटी सेंड ने वो पैकेट सेंड किए बना के विद सीक्वेंस नंबर जीरो सेंड किया, और रिसीविंग साइड पे जाते हुए हमारे पास वो जो पैकेट है वो करप्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे आरडीटी रिसीव का फंक्शन कॉल किया गया और पैकेट चेक किया गया तो वो पैकेट हमारा करप्टेड था, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ पे सेंड पैकेट का फंक्शन कॉल किया जाएगा, ठीक, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट विद चेकसम भेज दी जाएगी और यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा। जब यहाँ पे हमारे पास यूडीटी में ये रिसीव पैकेट रिसीव होगा, देखा जाएगा पैकेट करप्टेड था और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हमें मिली है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल होगा। तो दोबारा से आपका ये मेथड दोबारा कॉल होगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा पैकेट करप्टेड नहीं है, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट बनाई जाएगी और वह सेंड की जाएगी। फिर वो यहाँ पे आएगी, दोबारा से चेक किया जाएगा कि वो पैकेट जो करप्टेड नहीं है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है, तो अब अगला जो सीक्वेंस नंबर जीरो का वन का पैकेट है वो जनरेट किया जाएगा और वह सेंड किया जाएगा, ठीक है। सो अब हम कहते हैं कि जीरो का पैकेट करेक्टली रिसीव हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हमें रिसीव हो गई। अब हम कह रहे हैं कि हमें हमारे पास नया पैकेट जनरेट हो विद सीक्वेंस नंबर, पैकेट विद सीक्वेंस नंबर वन, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका प्रोसेस है उसने आरडीटी सेंड का फंक्शन को कॉल किया, उसने डाटा डिलीवर किया, सेंड पैकेट का फंक्शन कॉल हुआ, अब मेक पैकेट के फंक्शन के अंदर जो सीक्वेंस नंबर है वो क्या रखा जा रहा है, वन, ठीक है, नॉट जीरो। जीरो का पैकेट करेक्टली रिसीव हो गया, ठीक है, तो अब सीक्वेंस नंबर वन रखा जा रहा है, डाटा रखा जा रहा है, चेकसम रखा जा रहा है, और इस पैकेट को बना के यूडीटी सेंड के पैकेट फंक्शन के थ्रू चैनल पे सेंड कर दिया, ठीक है। अब जब चैनल पे सेंड किया गया तो यहाँ पे वेट किया जा रहा है, वेट फॉर वन फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पैकेट आएगा तो आरडीटी रिसीव का पैकेट पैकेट को आरडीटी रिसीव के फंक्शन के थ्रू रिसीव किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि पैकेट करप्टेड तो नहीं है और उसका सीक्वेंस नंबर वन ही है। अगर तो ये सीक्वेंस नंबर वन ही होगा तो क्या किया जाएगा, डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का पैकेट बनाया जाएगा, उसके अंदर चेकसम रखा जाएगा और यूडीटी सेंड के फंक्शन के थ्रू इसे सेंड कर दिया जाएगा, रिसीव जो सेंडर है कि आपका जो पैकेट है वो करेक्टली रिसीव हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि हमने जो पैकेट भेजा वो यहाँ पे रिसीव हुआ, वो करप्टेड नहीं था, वो एक्नॉलेजमेंट थी, तो इसलिए नो एक्शन टेकन, और अब दोबारा से आपका जो फंक्शन है वो दोबारा से आपका प्रोटोकॉल जीरो पैकेट बनाएगा और वो सेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां से जो पैकेट रिसीव हुआ वो करप्टेड हुआ तो और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई तो क्या होगा, आपका यूडीटी सेंड का फंक्शन दोबारा से कॉल किया जाएगा और पैकेट रिट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि ये तो तब था जब एक्नॉलेजमेंट भेजी गई, ये तब था जब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी गई। व्हाट इफ आपका जो पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें, आरडीटी रिसीव पैकेट नॉट करप्टेड हैज सीक्वेंस नंबर जीरो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे चेकसम जो जनरेट किया ये इसका रिकवरी है, ठीक है, कि अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी उसके बाद दोबारा से आपको रिसीव हुआ तो आपने ये वाला जो आपका प्रोसीजर है वो चलेगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट जब एक दफा रिकवर हुई उसके बाद जब आपने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी तो वो ये आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे सीक्वेंस वन के लिए भी ये स्टेट मौजूद है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे पास 2.1 की जो FSM है, फाइनाइट स्टेट मशीन है, वो कैसे काम करेगी। सो स्टेट्स की भी आपको समझ आ गई होगी कि हमने चार स्टेट्स क्यों बनाई है, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ दो स्टेट्स इसलिए थी कि हमारे पास पैकेट एक था। अब हमने यहाँ पे दो तरह के पैकेट भेजने हैं, हमने जीरो सीक्वेंस नंबर का पैकेट भी भेजना है, वन सीक्वेंस नंबर का पैकेट भी भेजना है, तो इसलिए हमारे पास चार स्टेट्स बनी है, एक पैकेट बनाने का और एक उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने का। फिर दूसरी तीसरी स्टेट हमारे पास पैकेट वन बनाने की और पैकेट वन की एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए। इसी तरह से रिसीविंग साइड पे भी वेट फॉर जीरो पैकेट और वेट फॉर वन पैकेट की दो हमारे पास स्टेट्स मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास जो आरडीटी 2.1 है इसके अंदर एक फ्लॉ हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड जो स्टार्टिंग स्लाइड है इसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नोट दैट रिसीवर कैन नॉट नो इफ लास्ट एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज ओके एट द सेंडर, कि जो आपने आपको एक्नॉलेजमेंट भेजी गई है वो ओके है या नहीं, ये हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है। हो सकता है रास्ते में वो ही करप्ट हो गई हो। तो इसका जो प्रोसीजर जो इसका सोल्यूशन है वो क्या निकाला गया, कि बजाय इसके कि हम बात करते हुए
मैं पहले ह्यूमन एनालॉजी की बात करती हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रोटोकॉल की फॉर्मेट में समझाती हूँ कि किस तरह से आरडीटी 2.0 को 2.1 के फ्लॉ को रिकवर किया गया। हम कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम फीडबैक के लिए दो चीजें रखें, हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर तो पैकेट रिसीव हो गया तो उसकी तो बताना, अगर रिसीव नहीं हुआ तो खामोश रहना। ठीक है, हम ये कह देते हैं कि बोलो ही मत, अगर रिसीव ही नहीं हुआ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को या किसी एक को हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को हम फ्री प्रोटोकॉल बना देते हैं। ठीक है, कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट अब रहे ही नहीं, अगर तो पैकेट रिसीव हुआ तो सेंड करो, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भेजो, अगर नहीं रिसीव हुआ तो एक्नॉलेजमेंट ना भेजो। तो हम ये डिवाइस कर लेते हैं कि हम एक्नॉलेजमेंट उस जहां तक हमें करेक्ट रिसीव पैकेट हुआ है वहां तक हम कहेंगे कि पैकेट ठीक है, जो नहीं हमें समझ आया वो हम दोबारा से रीट्रांसमिट करवाएंगे। लेट सपोज हम कहते हैं, मैं आपको बात बता रही हूँ, अगर तो मैं अगर रिस्पॉन्स मांगू आपसे तो आप मुझे क्या बताएंगे कि लास्ट पॉइंट जो आपने बताया वहां तक समझ आया, उससे आगे नहीं समझ आया, तो जो अगली बात होगी वो मैं दोबारा बताऊंगी। ठीक है, सो 2.2 भी इसी तरह से करता है, बाकी फंक्शनैलिटी वैसी है जैसे 2.1 की है, लेकिन यूज एक्स एक ओनली जो यहाँ पे है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्री प्रोटोकॉल बना दिया गया। एक्नॉलेजमेंट के साथ ही काम चलाना हमने इस प्रोटोकॉल के अंदर है। इंस्टेड ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर द लास्ट करेक्टली रिसीव पैकेट। ठीक है, कि जहां तक आखिरी आपको समझ आया आपने वहां तक बता दिया कि यहां तक ठीक था, इससे आगे क्या था वो नहीं समझ आया, तो क्या होगा, इससे अगले वाली जो पार्ट होगा वो दोबारा से बताया जाएगा। रिसीवर मस्ट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट बीइंग एक्नॉलेज। तो रिसीवर क्या करेगा, जब वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है तो वो उसमें एक्सप्लिसिटली बताएगा कि उसे कहाँ तक पैकेट करेक्टली रिसीव हुए हैं, ताकि उससे अगले वाले पैकेट उसे रीट्रांसमिट किए जाए। डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट एट द सेंडर रिजल्ट इन द सेम एक्शन एज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो अगर आपको एक्नॉलेजमेंट दो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है सेंडर साइड पे, तो आपको पता चल जाएगा कि पैकेट जो है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का हिसाब वही हो रहा है, तो आप पैकेट को रीट्रांसमिट कर देंगे ऑटोमेटिकली। सपोज हम कहते हैं पहले हमारे पास एक सिनेरियो जिसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, आपने पैकेट सेंड किया, पैकेट जीरो रिसीव हुआ उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, पैकेट वन रिसीव हुआ उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, फिर अगला पैकेट जीरो है उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, स्मूथ ऑपरेशन, कोई एरर मौजूद ही नहीं है। सेकेंडली हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर पैकेट करप्ट हो गया, तो पैकेट जीरो सेंड किया गया, एक्नॉलेजमेंट जीरो रिसीव हो गई, पैकेट वन सेंड किया गया लेकिन ये करप्ट हो गया, पैकेट रिसीव हुआ लेकिन यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है वो लास्ट करेक्टली रिसीव पैकेट विच वॉज पैकेट जीरो उसकी भेजी जा रही है। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट जीरो मिली थी और दोबारा से उसकी एक्नॉलेजमेंट जीरो मिल रही है, तो दैट मीन्स एक्नॉलेजमेंट डुप्लीकेट हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही आपको डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिली, जो सेंडर है उसे पता चल गया कि एक्नॉलेजमेंट जीरो के बाद, पैकेट जीरो के बाद जो पैकेट मैंने सेंड किया विच इज पैकेट वन, वो नहीं रिसीव हुआ, तो उसने क्या किया, रीट्रांसमिट पैकेट वन कर दिया। ठीक है, तो ये हमने जो हमारे पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्री प्रोटोकॉल है उसके अंदर हमने क्या किया कि जैसे ही दो एक्नॉलेजमेंट एक ही पैकेट की रिसीव हो गई है उससे अगला पैकेट आपने रीट्रांसमिट कर देना है। लेट सपोज एक्नॉलेजमेंट ही करप्ट हो जाए, फिर क्या होगा, आपने भेजा पैकेट जीरो, उसकी एक्नॉलेजमेंट रास्ते में आते हुए करप्ट हो गई। ठीक है, तो अब करप्ट हुई है फिर भी एक्नॉलेजमेंट जीरो ही रिसीव होगी ना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट जीरो रिसीव हुई है यहाँ पे, तो हमने रीट्रांसमिट कर देनी है, जो पैकेट जीरो है उसको रीट्रांसमिट कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चूंकि एक्नॉलेजमेंट ही करप्ट हो गई है तो हमने जीरो को ही ट्रांसमिट करना है, फिर उसके बाद वन पैकेट जो है वो हमने सेंड किया, अगर इसकी एक्नॉलेजमेंट रेट सपोज यहाँ पे करप्ट हो जाती तो हमें यहाँ पे जीरो रिसीव होता, तो हम क्या करते, पैकेट वन रीट्रांसमिट करते, क्योंकि डुप्लीकेट हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाती। ठीक है, तो ये हमारे पास है आरडीटी 2.0। अब हम इसका जो आरडीटी 2.2 है इसकी हम फाइनाइट स्टेट मशीन देख लेते हैं कि सेंडर साइड पे फाइनाइट स्टेट मशीन कैसे काम करेगी और रिसीविंग साइड पे फाइनाइट स्टेट मशीन हमारी कैसे काम करेगी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास चूंकि दो सीक्वेंस नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पे भी चार स्टेट्स होंगी और रिसीविंग साइड पे हमारे पास दो स्टेट्स होंगी। सबसे पहले उसी तरह से कि स्टार्टिंग में वेट फॉर कॉल फ्रॉम फॉर जीरो फ्रॉम द अबव वेट हो रहा होगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट हो रहा होगा, फिर जब वन की कॉल होगी तो वन की एक्नॉलेजमेंट का वेट हो रहा होगा। इसी तरह से रिसीविंग साइड पे वेट फॉर द जीरो फ्रॉम बिलो और यहाँ पे है वेट फॉर वन फ्रॉम बिलो। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस वन ने डेटा जनरेट किया, अपने आरडीटी सेंड का फंक्शन कॉल किया, डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, एक पैकेट बनाया जिसके अंदर सीक्वेंस नंबर रखा
डेटा रखा, चेकसम रखा, पैकेट बना के यूडीटी सेंड के थ्रू पैकेट को सेंड कर दिया. रिसीविंग साइड पे ये आपका पैकेट रिसीव हुआ है, जीरो पैकेट, चेक किया गया कि रिसीविंग पैकेट रिसीव हुआ है, करप्टेड नहीं है, उसका सीक्वेंस नंबर जीरो ही है. डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, सेंड कर दी जाएगी आपको एक्नॉलेजमेंट विद सीक्वेंस नंबर और चेकसम. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल किया जाएगा, यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, ठीक, आपको रिसीव हुआ है आरडीटी रिसीव का पैकेट नॉट करप्टेड, और उसकी एक्नॉलेजमेंट क्या थी, वन, सॉरी एक्नॉलेजमेंट क्या रिसीव हुई है, जीरो. ठीक है, क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो सेंडर ने क्या सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट जीरो. तो चूंकि आप जीरो एक्नॉलेजमेंट का ही वेट कर रहे थे, तो आपको जीरो रिसीव हो गई, तो इसके नतीजे में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, बल्कि ये स्टेट ट्रांजिट करके नेक्स्ट जो पैकेट है जिसका सीक्वेंस नंबर वन है उस पे आ जाएगी. अब पैकेट बनाया जाएगा दूसरा, आरडीटी सेंड के थ्रू पैकेट डाटा सेंड किया गया, मेक पैकेट के थ्रू पैकेट बनाया गया, उसमें सीक्वेंस नंबर रखा गया वन, डेटा रखा गया और चेकसम रखा गया, और यूडीटी सेंड के फंक्शन के थ्रू आपका डेटा जो है वो सेंड कर दिया गया रिसीवर को. रिसीवर ने डेटा यहाँ पे रिसीव किया, चेक किया डेटा करप्टेड नहीं है, उसने चेक किया सीक्वेंस नंबर भी वन है, उसने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, डिलीवर किया, पैकेट बनाया जिसके अंदर उसने एक्नॉलेजमेंट रखी वन की, और उसने सेंड कर दिया. ठीक है, कि वन भी उसे करेक्टली रिसीव हो गया. अब ये एक्नॉलेजमेंट आएगी यहाँ पे, इसने चेक किया कि हमारे पास जो पैकेट मिला है वो जो रिप्लाई में मिला है, जो कंट्रोल पैकेट आया है, वो करप्टेड नहीं है, उसकी एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी वन की है, तो इसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, बल्कि अगला जो आपके पास स्टेट है विच इज अगेन पैकेट विद सीक्वेंस नंबर जीरो, वो स्टार्ट हो जाएगी. अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास एरर्स आ जाएं, तो प्रोसेस सेंड, प्रोसेस ने डाटा सेंड किया, पैकेट बनाया गया, सेंड किया गया, रिसीविंग साइड पे जब डाटा रिसीव हुआ, तो डाटा को जब एक्सट्रैक्ट किया, देखा गया, तो डाटा हमारा था करप्टेड, लेकिन उसका सीक्वेंस नंबर वही था. ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट बनाई जाएगी जीरो, और सेंड कर दी जाए, चेक सम रख के सेंड कर दिया जाएगा. ठीक है, तो अब जब यहाँ पे जीरो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे जब रिसीव होगी, तो पता क्या चलेगा, क्योंकि जीरो रिसीव हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे जो पैकेट है वो रिट्रांसमिट किया जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं दोबारा, जब हमने सेंड किया कि जीरो पैकेट रिसीव हो गया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि पैकेट वन सेंड किया, लेकिन पैकेट वन की जो एक्नॉलेजमेंट थी यहां से वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी गई. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा रिसीव किया गया लेकिन डेटा करप्टेड था जिसका सीक्वेंस नंबर वन था, तो यहाँ पे जो पैकेट बनाया गया उसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या रखा जाएगा, जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट का सीक्वेंस नंबर रखा जाएगा वन की बजाय यहाँ जीरो रखा जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने आरडीटी रिसीव एंड पैकेट इज करप्टेड सीक्वेंस नंबर, ओके, यहाँ सीक्वेंस नंबर जीरो रखा जाएगा. ठीक है, जीरो के साथ आपने ये सेंड कर दी. ठीक है, अब यहाँ पे जब रिसीव होगी और चेक किया जाएगा कि पैकेट करप्टेड था और जो रिसीविंग पैकेट है उसके अंदर जीरो की आपको एक्नॉलेजमेंट मिली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जीरो पैकेट तक करेक्टली रिसीव कर लिया, उसके बाद जो यूडीटी सेंड है दैट इज दिस पैकेट विद सीक्वेंस नंबर वन, उसे दोबारा सेंड करो. कि जीरो रिसीव होने का मतलब क्या है कि जीरो तक जो आपका डेटा है वो करेक्टली रिसीव हो गया, इसके बाद जो डेटा है उसे रिट्रांसमिट किया जाए, उसे दोबारा से सेंड किया जाए. ठीक है, तो अब क्या होगा, दोबारा से आपका ये डेटा वेट फॉर कॉल फ्रॉम वन, इससे दोबारा ये डेटा सेंड किया जाएगा, यही बनाया जाएगा सेंड डेटा, और ये सेंड कर दिया जाएगा. अब रिसीविंग साइड पे आएगा, रिसीविंग साइड इसे रिसीव करेगा, सीक्वेंस नंबर वन होगा, चेक किया जाएगा करप्टेड नहीं है तो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, डेटा डिलीवर किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का पैकेट बनाया जाएगा, अब एक्नॉलेजमेंट में वन रखा जाएगा क्योंकि अब वन पैकेट करेक्टली रिसीव हो गया.